निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोल परमहंस योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज की। जय माता की, 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 जय माता की। जोर से बोलो, आवाज ना आई, जय माता की, हम भी बोले, जय माता की, तुम भी बोलो, जय माता की, जय माता की, जय माता की। आगे वालो, जय माता की, पीछे वालो, जय माता की, दाएं वालो, जय माता की, बाएं वालो, जय माता की। जोर से बोलो, जय माता की, जय माता की, जय माता की, मां खेड़ों वाली, जय माता की, मां जोतों वाली, जय माता की, मां लाटों वाली, जय माता की, जगत वाली, जय माता की। जोर से बोलो, जय माता की, मैया कन ले, जय माता की, दर्शन दे दे, जय माता की, जय माता की, क्या दर्शन पाया, जय माता की, क्यों दर्शन पाया, जय माता की, सफल बना लो, जय माता की, दर्शन गवाना, जय माता की, 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 पीछे वालो, आवाज ना आई, जय जोर से बोलो, जय माता की, प्रकृति स्वरूपम्, प्रकृति स्वरूपम्, प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि सत्य जग जननी जगद माते की। इस नवरात्रि पर्व पर इस पावन पवित्र धाम सिद्धाश्रम में आए हुए अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, जिज्ञासुओं, दर्शनार्थियों को अपने हृदय में धारण करता हुआ, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। सौभाग्य के क्षण जो प्रतिवर्ष नवरात्रि में अष्टमी, नवमी और विजयदशमी पर्व पर आप समस्त भक्तों को प्राप्त होते हैं, यह एक एक क्षण, एक एक पल
आपको उस सत्य पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिस सत्य पथ पर ही चल करके सत्य और धर्म की स्थापना की जा सकती है। निश्चित है वर्तमान में कलिकाल का साम्राज्य चारों तरफ स्थापित है, उसमें जब सत्य की विचारधारा की कोई बात रखी जाती है तो हरेक की समझ में आए यह संभव नहीं है। हर काल में होता आया है, आज की कोई नवीन बात नहीं, मगर जब भी अफुरत समाज पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, उन विषम परिस्थितियों में कहीं ना कहीं से माँ की ज्योति प्रज्वलित होती है, कहीं ना कहीं से माँ की ऊर्जा फैलती है और समाज में फिर परिवर्तन आता चला जाता है। आज सौभाग्य से हमें और आप सभी को माँ ने वह सौभाग्य प्रदान किया है कि हमें और आप सभी को मिलकर के माँ की वह जो ज्योति इस पवित्र धाम से प्रज्वलित है, माँ की ऊर्जा चेतना तरंगे जो इस पवित्र स्थल से पूरे ब्रह्मांड में इस भूतल पर प्रवाहित हो रही हैं, उनमें प्रकट सत्ता ने हमें और आपको माध्यम बनाया है। जब तक हम उस विचारधारा को समझते नहीं हैं, जब तक हम उस भाव भूमि पर पहुंचते नहीं हैं, तब तक हमारे अंतःकरण में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। वैसे तो मेरे द्वारा अब तक उन सभी क्षेत्रों के चिंतन विस्तार से दिए जा चुके हैं कि आपको क्या विचारधारा बनाई नहीं है, किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार के कर्म करने हैं, ये सभी प्रकार के चिंतन दिए जा चुके हैं और अब तक अनेकों शिष्यों भक्तों के अंदर उतनी पात्रता भी आ चुकी है कि मैं भी शांत भी बैठा रहूं, शिष्यों को एक के बाद एक चिंतन देने का मौका देते जाया जाए, तो उनके अंदर इतनी पात्रता आ चुकी है कि वह सब कुछ चिंतन देने में सामर्थ्यवान है, जिससे कहीं ना कहीं सत्य धर्म की दिशा में समाज को बढ़ाया जा सकता है, वह दिशा दी जा सकती है, वह ऊर्जा अब तक उन शिष्यों ने अपने अंदर समाहित की है। निश्चित है मेरे द्वारा लोगों को साधु संत सन्यासी नहीं बनाया जाता, एक साधक बनाया जाता है और उन साधकों के अंदर धीरे धीरे करके वह पात्रता भरी जा रही है कि जिस पात्रता को लेकर जो मेरे द्वारा समाज में कहा गया है कि जो अनेकों भगवे वस्त्रधारी समाज में टहल रहे हैं, अपना वर्चस्व स्थापित किए बैठे हुए हैं, जो सिर्फ एक लुटेरों का जीवन जीते हैं, उनकी तुलना में मेरा एक साधक दस दस पर भारी पड़े। सत्य की विचारधारा को समझना हर एक की बस की बात नहीं, सत्य के सभी सहयोगी बन सके इसके ये भी सबके बस की बात नहीं, मगर आपको सत्य की दिशाधारा में बढ़ने में, सत्य पथ पर बढ़ने में सहयोगियों को तलाशने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंतःकरण में उस प्रकट सत्ता की और गुरु की स्थापना करने की आवश्यकता है। जो बाहर ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके अंदर समाहित है। आपको जितना जन चेतना जन जन में फैलाना है, उतना अपने अंतःकरण को भी निर्मल पवित्र बनाने का प्रयास करना है। आपको यह नहीं विचार करना कि कौन क्या कह रहा है, आपको सिर्फ यह विचार करना है कि आपका गुरु क्या कह रहा है, आपको चिंतन क्या मिल रहे हैं, आपको किस दिशा में बढ़ना है। प्रकट सत्ता से क्या मांगना है वह भी भाव मैंने स्पष्ट कर रखे हैं कि निश्चित है आप लोग नाना प्रकार की अपनी भावनाएं, अपनी कामनाओं की पूर्ति का भाव, अपनी समस्याओं के निदान का भाव लेकर के इस पवित्र धाम में पहुंचते हैं और मैंने वह रास्ता बताया है कि होगा वही जो प्रकट सत्ता चाहेगी, होगा वही जो आपका गुरु चाहेगा, फिर नाना प्रकार की कामनाओं में क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो, सिर्फ प्रकट सत्ता से भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो। इन तीन शब्दों में सब कुछ सार समाहित है। यदि हमें भक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, आत्मशक्ति मिल जाए, तो उसमें तो सब कुछ समाहित है और आपका गुरु उसी मार्ग में आपको खींचता है जिस मार्ग में चल करके उस प्रकट सत्ता को की कृपा को आपके गुरु ने प्राप्त किया है, उस प्रकट सत्ता को अपने अंतःकरण में स्थापित किया है। एक ऋषित्व के जीवन को, एक ऋषि को
समाज समझ सके, यह कम से कम इस कलिकाल में तो संभव ही नहीं है। क्योंकि समाज तो सामान्य से साधकों को नहीं समझ सकता, तो एक ऋषि को समझना किसी के बस की बात नहीं। मगर मैंने इसके पूर्व भी कहा है और आज पुनः कह रहा हूं कि कम से कम अपनी डायरियों में नोट करके अवश्य रख दें कि आने वाली आपकी पीढ़ियां जरूर देखेंगी कि यही पावन पवित्र धाम विश्व की धर्म धुरी बनेगा। आज हो सकता है समाज के कुछ चंद ऐसे लोग हों जो मेरी भी बुराई करते हों, करते हैं, मगर कल को वो मेरे रजकणों को प्राप्त करने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे इसी स्थान पर। क्योंकि सत्य का ज्ञान मुझे है। मैंने जब यात्रा प्रारंभ की थी, जब मैंने एक शिष्य नहीं बनाया था, तभी मैंने अपनी यात्रा को बताया था कि मेरी यात्रा कहां कहां से कैसे किस प्रकार होती हुई जाएगी, कहां पर किस प्रकार के स्थान में मेरे आश्रम की स्थापना होगी। निश्चित अभी यहां वैभवशाली आश्रम का निर्माण नहीं हो पाया, मगर उस वैभवशाली आश्रम के निर्माण से पहले मैंने यहां के वातावरण को चेतना तरंगों के माध्यम से चैतन्य बनाने का प्रयास किया है। हर पल साधना रत रह करके आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि वर्ष में एक या दो बार से ज्यादा मैं इस नदी से बाहर, इस सिद्धाश्रम धाम से बाहर कभी जाता भी नहीं। भविष्य के लिए जो समाज आए इस स्थान पर बैठे तो यहां के चेतना तरंगों से वे लाभान्वित हो सके। और आज इतने समय में ही इस वातावरण में इतनी चेतना तरंगों का प्रभाव है कि नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति प्राप्त करते हैं। मगर आज तो ये मैं प्रथम चरण भी इस आश्रम का नहीं मान रहा। प्रयास किया जा रहा है उस नींव की स्थापना का, प्रयास किया जा रहा है अपने आप को खपाने का, प्रयास किया जा रहा है कि जिस स्थान पर माता आदि सत्यजनी जगदम्बा का आवाहन होना है, जिस स्थान पर माता आदि सत्यजनी जगदम्बा की स्थापना होना है, जिस स्थान पर माता आदि सत्यजनी जगदम्बा की हर पल चेतना तरंगे बरसती रहेंगी, उस स्थान को कम कम उसी योग्य बना सकूं, उसी के लिए मेरा सतत यहां प्रयास चलता रहता है। जो जो आप लोग उस विचारधारा को समझते जाओगे, आपके मन की एकाग्रता यहां स्वतः लगती चली जाएगी। उस रास्ते पर चलने के लिए आप लोग क्रमशः और चेतनावान बन सकें, क्योंकि मैं यहां आप लोगों को कहानियां और किस्से सुनाने के लिए नहीं बुलाता। मेरे अनेकों ऐसे शिष्य, अगर मैं उनको खड़ा कर दूं तो सुबह से शाम तक एक से एक कथानक सुनाते रहेंगे। मैं भी चाहूँ तो सैकड़ों कथानक सुनाकर आपको हंसा सकता हूँ, आप हंसते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, और जब आप यहां जाएंगे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मगर आपका गुरु हर पल अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से चेतना तरंगें प्रवाहित करता रहता है, जिन चेतना तरंगों के बीच आप आबद्ध रहते हैं। जो चेतना तरंगें आपको चैतन्य बनाती हैं, जो चेतना तरंगें आपके अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनाती हैं। साधक का कार्य चेतना तरंगों के माध्यम से होता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं अगर हजार तहखाने के अंदर भी बैठा रहूं तो वहां से भी आपको चेतना दे सकता हूं। हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जब आप स्मरण चिंतन करते हैं तो चेतना तरंगे आपको लाभान्वित करती हैं। एक योगी का कार्य, एक ऋषि का कार्य स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म से अधिक होता है, और उन चीजों का की अनुभूतियां भी अनेकों शिष्य भक्त समाज के बीच प्राप्त करते रहते हैं। निश्चित मेरी एक यात्रा अलग है, हर समाज के समझने की बस की बात नहीं, मगर जितना तुम समझते जाओगे उतना तुम्हारे अंदर स्थायित्व आता चला जाएगा, धैर्यता आती चली जाएगी, संतुलन आता चला जाएगा। ये समाज तो हर पल अधर्मी अन्यायी जितने रहे हैं उनका सम्मान होता रहा है, ये हर काल की रहा है। आज साईं के भक्त देश के कोने कोने में मिल जाएंगे, सब दिन रात उनके गुणगान कर रहे हैं, सब चैनल उनका गुणगान कर रहे हैं, मगर साईं का जीवन किस्तों कष्टों से भरा रहा जब समाज के बीच रहे, जब तक वो जीवन जीते रहे, एक एक समय के लिए भोजन कहां से जुटाया जाए उसको भी देने में लोगों ने आनाकानी की, टिप्पणियों के ऊपर टिप्पणियां की, और आज उनका किस तरह गुणगान हो रहा है। मैं प्रसन्न इस बात से हूं कि काश अगर इसी तरह पहले गुणगान ऋषियों मुनियों का हो रहा होता तो आज समाज ना भटकता।
पहली बार किसी सिद्ध योगी का, सिद्ध साधक का देश में सम्मान हो रहा है, देश उनका गुणगान कर रहा है। भले प्रलोभनों के लिए कर रहे हैं, भले सौदागर बनकर के कर रहे हैं, मगर यदि साधक बनकर के करें तो समाज में और परिवर्तन आ सकता है। मगर आज समाज की विडंबना है कि चाहे धर्म हो, देवी देवता हो, ऋषि मुनि हो, गुरुजन हो, समाज उनसे सिर्फ सौदागर बनकर के संबंध स्थापित करता है, सिर्फ अपनी भौतिक कामनाओं के संबंधों की पूर्ति के लिए उनसे रिश्ते जोड़ता है, और यही समाज के पतन का मूल कारण है। हमारा रिश्ता आत्मा और परमात्मा का है, उस प्रकट सत्ता से है। हम किसी धर्मगुरु, किसी ऋषि से, किसी देवी देवता से जब संबंध स्थापित करते हैं तो आत्मा और परम सत्ता के बीच की कड़ी मान करके स्थापित करते हैं कि हमारी आत्मा की चैतन्यता यदि दिव्य चैतन्य आत्मा से जुड़ेगी, हमारी जो आत्मा पे आवरण पड़े हुए हैं वह आवरण अपने आप हटते चले जाएंगे, हम एकाकार होते चले जाएंगे, और जिस प्रकार वह चैतन्य है धीरे धीरे करके हमारी चैतन्यता भी बढ़ती चली जाएगी और हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। मगर आज की विचारधारा कि अगर मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा तो 100 रुपए का प्रसाद मैं चढ़ा दूंगा, सब सौदागर हैं, हजारों लाखों में 1-2 ही ऐसे नजर आते हैं जिन्हें शिष्य कहा जा सकता है, जिन्हें भक्त कहा जा सकता है। अंत है समाज की विडंबना है कि अब तक समाज के धर्माचारों, साधु संत सन्यासियों ने उन सौदागरों से उसी तरह सौदागर का रिश्ता जोड़ दिया है। चोर चोर मौसेरे भाई, वो भी सौदागर हैं, आप भी सौदागर बन रहे हो, और जब तक ये सौदागरपन का रिश्ता जुड़ा रहेगा आपका, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पतन के मार्ग पे जाओगे। छोटी मोटी कामनाएं यदि आपकी पूर्ति भी हो गई तो भौतिक जगत की छोटी मोटी कामनाएं यदि पूर्ति होती रही और आपके अंतःकरण में आवरण पड़ते चले गए तो आप कभी भी सत्य पथ की ओर नहीं बढ़ सकेंगे, आप कभी चेतनावान बन नहीं सकेंगे, आप कभी संस्कारवान बन नहीं सकेंगे। इस जीवन में जितनी समस्याएं आपके सामने हैं उससे 10 गुना ज्यादा समस्याएं आपके अगले जीवन में खड़ी होंगी। यह जीवन आपका स्वस्थ है, अगले जीवन में आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नजर आएंगे। चेतनावान बनने के लिए अपने आप को चेतनावान बनाना नितांत आवश्यक है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा उसी रास्ते पर समाज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको साधक बनाया जाए, सौदागर नहीं, आत्मीयता के रिश्ते से जोड़ा जाए, उस प्रकट सत्ता के रिश्ते से आपको जोड़ा जाए, आप एक भक्त बन सकें, वास्तव में भक्त बनने के कहलाने के अधिकारी बन सकें। अंता भक्त का आवरण है, वही कि शेर की खाल पहने हुए समाज में अनेकों सियार टहल रहे हैं, उसी तरह है समाज में कि लोग अनेकों प्रकार के हम माँ के भक्त हैं, हम फला के भक्त हैं, हम गुरु के भक्त हैं, मगर वास्तव में भक्त का स्वरूप क्या होना चाहिए, भक्त की गहराई क्या होनी चाहिए, भक्त किस प्रकार की होनी चाहिए, भक्त का कर्तव्य क्या होना चाहिए, भक्त को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, जब तक हम आप ये सब कुछ सीखेंगे नहीं आप लोग, तब तक आप लोगों के जीवन में भटकाव आता चला जाएगा। आप 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम फिर पीछे चलते हैं, 2 कदम फिर आगे जाएंगे, फिर 2 कदम पीछे जाते हैं। कोई पल आता है आपको लगता है बस मैं अपना सर्वस्व त्याग दूं, बस गुरु के चरणों में त्याग दूं, माँ के चरणों में त्याग दूं, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूं, दिन रात गुरुदेव की सेवा करूंगा, दिन रात माँ की सेवा करूंगा, और कई बार मन एकदम से भटक जाता है, कई बार पूजा पाठ में मन लगता है और कई बार पूजा पाठ में मन नहीं लगता। ये स्थायित्व इसलिए नहीं आ पा रहा कि आप भक्ति की गहराई में डूबे नहीं हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आपके अंदर यदि शिष्यत्व आ जाए तो गुरु की चेतना तरंगे अपने आप को आपको लाभान्वित करने लगेंगे, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप भक्त बन जाए तो भक्ति के बसीभूत शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति समाहित होती है और शक्ति में भक्ति समाहित होती है, और जब तक उस संयोग को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में भटकाव ही आता चला जाएगा, और उसके लिए हमको अपने शरीर को संतुलित बनाना पड़ेगा, शरीर को ही साधना पड़ेगा। समाज में अनेकों ऋषियों मुनियों ने वही कार्य किया, मगर समाज की विडंबना, समाज भटक रहा है। आपको पुनः एक बार सचेत होने की जरूरत है, पुनः आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि हम इतना जो भौतिकतावाद का सब कुछ समेटने के लिए दिन रात व्यथित हैं, क्या यही हमारा कल्याण कर देगी? अरे जो है शरीर हम लेकर के जन्म लेते हैं, शरीर के साथ जाने के समय तो शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है,
जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो शरीर के साथ आते हैं, और जब इस धरती से जाते हैं तो शरीर भी हमारा यहीं कहीं रह जाता है। तो इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए उतने ही संसाधन जुटाओ, उतना ही अपने अंदर उतावलापन रखो कि जितना आवश्यक है, जितना नितांत आवश्यक लगे कि इतना मेरे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। और अगर भौतिकतावाद के लिए लिप्त भी हो तो जितना भौतिक जगत के लिए लिप्त हो कम से कम 50-50% में बांट दो, कि जितना भौतिक जगत के लिए आप लिप्त हो उतना आध्यात्मिक जगत के लिए भी आप अपने आप को लिप्त कर दो, तो कम से कम संतुलन तो बना रहेगा। और जब संतुलन आ जाएगा तो आपका विकास अपने आप होता चला जाएगा। नहीं, जिस विकास को आप विकास मानते हो, क्या वह विकास है? अनेकों उद्योगपतियों को, लखपति, करोड़पति, अरबपतियों को देखें, वो घर से कितना अशांत है। बेटे उनके कहने में नहीं चल रहे, बेटियां उनके कहने में नहीं चल रही, पत्नियां उनके कहने में नहीं चल रहा, बेटा सोचते हैं पिता कितनी जल्दी मर जाए, मैं उसकी संपत्ति का अधिकारी बन जाऊं। बेटे बेटियां ही अपने अपने माता पिता की हत्या तक कर देते, समाज के बीच में घटनाएं मिलती हैं। माता पिता बेईमानी करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं और एक एक रात में वो 10-10, 20-20 लाख करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक पार्टी में लुटा देते हैं। रास्ता वह तय करो कि संस्कारवान बनो और बच्चों को भी संस्कारवान बनाओ, और उसके लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है अपने आप का शोधन करना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को सही दिशा देना, अपने आप को साधक बनाना। सबसे पहले अपने आप को साधक बनाना, सत्य पथ बढ़ने के लिए ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, अनेकों मार्ग बताए गए हैं, मगर जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसमें चल करके एक गरीब भी, एक अमीर भी, एक साधु भी, एक सन्यासी भी, एक ऋषि भी और देवी देवता भी उस प्रकट सत्ता की अगर कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, तो सिर्फ एक मार्ग है और वह मार्ग है भक्ति का मार्ग। इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं सत्य तक पहुंचने का। आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाइए, बहुत बड़े धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन कर लीजिए, ग्रंथों पुराणों को रट लीजिए, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा जब तक उनको ग्रहण करने के बाद आप पुनः भक्ति मार्ग पर आप प्रवेश नहीं करेंगे। बिना भक्ति के शक्ति की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती, और जब यह सत्य है कि भक्ति के बिना शक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती, तो क्यों ना अपनी नींव आप लोग भक्ति से प्रारंभ ही भक्ति से कीजिए। क्यों भटक रहे हो? सरल से सरल मार्ग है, अपने शरीर को साधना है, अपने शरीर को शोधन करना है। और भक्ति मार्ग में भी हर मार्ग हमारे ऋषियों मुनियों ने पूर्व में भी बता रखे हैं, जो कल भी सत्य थे, आज भी सत्य थे और कल भी सत्य रहेंगे। उसमें आपको अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को एक संपूर्ण रथ के समान मान लेना है, कि एक संपूर्ण रथ यदि सब कुछ सकुशल हो तो उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार आपको अपनी आत्मा को रथ का रथी बनाना है, भक्ति को सारथी बनाना है, मन को अश्व बनाना है और रथ इस शरीर को बनाना है, और दोनों पहिए एक ज्ञान और एक योग। यदि ज्ञान रूपी और योग रूपी रथ के पहिए हों, शरीर आपका किसी भी प्रकार का हो उसको रथ मां ही मात्र मान लें, और मन रूपी अश्व को जोत दें, भक्ति को सारथी बना दें और आत्मा को चैतन्यता से रथी बने रहने दें, यह विचारधारा लेकर के यदि नित्य आप चिंतन करें कि मेरे रथ का रथी मेरी आत्मा है और उसका सारथी यदि मेरी भक्ति है, तो कभी भी मेरा मन जो अश्व रूपी मन है वो कभी भटक नहीं सकता, वो बिल्कुल सही रास्ते पर, सही गति पर जाएगा। एक ऋषि भी वही विचारधारा लेकर के चलता है, वह भी भक्त के बल पर ही अपने मन पर अंकुश लगाता है। और मन, जो मैंने कहा है पूर्व के चिंतनों में, कि मन कभी दूषित या मलिन नहीं होता, मन हमारे आत्मा की चेतना तरंग है, कार्य करने की क्षमता है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को यदि आप गंदी नाली के पानी में, कोई गंदा आपके अंदर आप पाइप हो और गंदे पाइप में आप एक तरफ से साफ स्वच्छ पानी डालना शुरू करें, तो पहले गंदा पानी ही निकलना शुरू होगा। यदि पहले से कोई स्वच्छ पाइप है उसमें आप पानी डालेंगे तो दूसरी तरफ स्वच्छ पाइप पानी ही निकलेगा। उसी तरह हमारे शरीर में, आपके शरीर में सत रज तम तीनों गुण मौजूद हैं,
और जिस समय जिस प्रकार की हमारी कोशिका ज्यादा प्रभावक हो जाती है, उसी तरह उसी कोशिका में हमारा मन कार्य करने लगता है और मन उसी तरह के विचारधारा के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि मन के आपात तो सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ कार्य करने की क्षमता है, उधर जैसा जोत दोगे वह उसी दिशा में भागता चला जाएगा। और जब आपके अंदर ये तीनों गुण मौजूद करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, आप स्वतः देखते हैं आप जब भी क्रोधी होते हैं, क्रोध भाव आ जाता है आपके शरीर में, पूरा क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है, आपकी पूरी शक्ति क्रोध के रूप में कार्य करने लगती है। आपके मन में यदि वासना ना आए, जब आपके शरीर के अंदर वासना भाव आते हैं तभी आप भटकते हैं। आपके अंदर किसी चीज में जब लोभ आ जाएगा, जब आपके शरीर में पहले प्रभाव पड़ेगा भाव पक्ष में, जब वह भाव पक्ष आपका जागृत हो जाएगा उसी तरह आपका शरीर बाहर कार्य करने लगेगा। तो जब कह रहे शरीर के अंदर इस क्षमताएं आपके अंदर हैं, तुम क्षमताओं को क्यों नहीं सतोगुणी बना लेते, क्यों नहीं उन क्षमताओं को अपनी भक्ति के बल से सतोगुणी ऊर्जा को, सतोगुणी कोशिकाओं को इतना प्रभावक बना लें कि मन आपका गुलाम हो जाए, मन आपका दास हो जाए। आप रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, पहले अपने मन की सिद्ध को हासिल कर लो। किन सिद्धियों के पीछे भाग रहे हो? प्रकट सत्ता ने आपको सब कुछ दे रखा है। सबसे बड़ा साधक वह है जो अपने मन की सिद्धि हासिल कर लेता है। मन के अंदर अलौकिक शक्ति है, अलौकिक क्षमता है। यदि मन के मनोयोग से किसी क्षेत्र में कोई चिंतन विचारधारा डाल दिया जाए तो बहुत कुछ जो चाहा जाए वह किया जा सकता है। आप भी, आप लोग जीवन में ये छोटी छोटी बातें जिनमें आप विचार नहीं करते, आप कई बार देखते हैं कि आप मन में किसी के बारे में, अपने किसी परिजन के बारे में, अपने मित्र के बारे में कोई चीज बड़े भाव पक्ष से सोचते हैं, मन को उधर लगाते हैं, उसी टाइम में वो भी कहता कि नहीं इस समय आज पता नहीं मुझे अपने किसी व्यक्ति की याद क्यों आ रही है। या आपका कोई व्यक्ति संकट में ग्रसित होता है, वह आपको कहीं याद करता है गहराई से, तो आपका मन लगने लगता है, उदास सा होने लगता है। आपका बेटा, आपका बच्चा कहीं संकट में घिरा हुआ हो तो आपका मन उदास होने लगेगा, क्योंकि उसकी मन शक्ति आपकी ऊर्जा को खींचने का प्रयास करती है और समय आपकी भी मन शक्ति उधर को खींचने लग जाती है। इन सब योगों के, यदि हम संयोगों को समझने का प्रयास करें तो छोटी छोटी बातें हैं, मगर इन छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ सार छिपा पड़ा हुआ है। अगर उस मन की शक्ति को, मन की सिद्धि को हम अपने वशीभूत कर लें, सतोगुण को अपने अधीन कर लें, मैं अपने अधीन करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, इस बात को आप दृढ़ता से हर पल विचार करें, हर पल आप सोचें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पहले आत्मा हूं, वह चैतन्य आत्मा जो परम सत्ता का अंश हूं। और उस आत्मा की ये जितनी सिद्धियां हैं जो बुद्धि के रूप में, मन के रूप में, किसी भी रूप में कार्य कर रही हैं, उनको मुझे अपने वशीभूत पहले करना है। और जब मैं उनको अपने वशीभूत कर लूंगा तो मुझे किसी रिद्धियों सिद्धियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिद्धियां सिद्धियां मेरी गुलाम बन जाएंगी। बड़ा सहज और सहज सरल मार्ग है, भक्ति मार्ग में डूब जाना। उस प्रकट सत्ता माता आदि सत्यगिनी जगदम्बा, इतना आप हम सभी जानते हैं, जिनके सामने देवादि देव भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, सब धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं, ऋषि मुनियों ने चीख चीख करके कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ऋषि मुनि जिनका गुणगान करते रहते हैं, उस परम सत्ता की भक्ति में क्यों ना आप लोग डूबे, क्यों ना हम आप सभी लोग उसमें डूबने का प्रयास करें। क्यों भटकते हैं, क्यों नहीं अटूट रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते, क्यों सौदागर बनकर के क्यों छोटी छोटी कामनाओं की रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हो? एक बार वह रिश्ता तो जोड़ लो, तुम्हारे लिए जो आवश्यक होगा अपने आप होता चला जाएगा। और मैंने कहा है कि इस कलिकाल में संघर्षों से तो घबराना ही नहीं चाहिए। आप संघर्षों से घबराते हो और आपका गुरु कहता है कि जीवन में आज तक इस भूतल पर जितने संघर्ष किसी के जीवन में ना डाले गए हों, माता आदि सत्यगिनी जगदम्बा अगर कृपा करना चाहती है तो संघर्ष मेरे ऊपर डालें, मैं उनसे कृपा रूप मांग रहा हूं संघर्ष। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरे जीवन में संघर्ष आएंगे तभी उन संघर्षों से पार जाने की चेतना तरंगें मेरे अंदर से उपजेंगी और वो चेतना तरंग मैं प्रकट सत्ता से हासिल कर सकूंगा। आवश्यक है जिन चीजों से आप घबरा जाते हैं, जिन चीजों से आप व्यथित हो जाते हो, वो व्यथित होने की, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उस पर कौन दाग लगा सकता है, उसे कौन नष्ट कर सकता है, उसे कौन मार सकता है? आत्मावानों का जीवन तो जियो, आत्मा में अलौकिक शक्ति सामर्थ है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मैंने लक्ष्य ठाना है उसमें कोई अवरोध बनकर के, मेरे सामने अवरोध बनकर के टिक सके।
ये किस बल पर मेरे द्वारा कहा जाता है? ये गर्व और घमंड की उस प्रकट सत्ता के बल पर ही, उस भक्त के बल पर ही, उस माता आदि सत्यजननी जगदम्बा की कृपा के ही फल स्वरूप कहा जाता है। किस अंधियारी को भी जो अंधियारी क्षेत्र कहलाता था, प्रभावित क्षेत्र कहलाता था, उसे एक तीर्थ के रूप में माता आदि सत्यजननी जगदम्बा की कृपा से चैतन्य किया जा रहा है, जो विश्व की धर्म धुरी कहलाएगा। और उसी मार्ग में जहां मैं भक्ति मार्ग की बात कह रहा था, जो कि जो कुछ मार्ग ऐसे हैं हमारे शरीर के, जिस तरह सतरज स्तंभ हमारे शरीर में हैं तो हैं, उसको कोई दूसरा नहीं बदल सकता, उसमें नवीनता नहीं लाई जा सकती। उसी तरह जिस तरह अष्टांग योग का मार्ग है, उसी प्रकार भक्त के मार्ग में, वैसे तो भक्त को केवल तीन चीजों में बांध दिया जाता है, निष्ठा, विश्वास और समर्पण, कि हमारे अंदर गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण 101% आ जाए तो हम वास्तव में पूर्ण भक्त बनने के अधिकारी बन गए। मगर इसकी और गहराई में थोड़ा प्रवेश कराना चाहूंगा। जिसे नवधा भक्ति कहते हैं, उस नवधा भक्ति को जब यदि आप लोग समझोगे और उसमें अमल करोगे तो आपके अंदर जो संशय बना रहता है, गुरुदेव जी हम आपसे कहीं दूर ना चले जाएं, कहीं आपसे कट ना जाएं, रास्ता तय करोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। उस संबंध को तोड़ोगे, जोड़ोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे द्वारा उसी मार्ग पे चल करके तो कहा जाता है कि प्रकट सत्ता में क्षमताएं हो तो मुझको अपने से अलग करके देखें, अपनी भक्त से मुझे विमुख करके देखें। ये वही कह सकता है जब एक बार यदि आप निर्णय ले लो कि अरे प्रकट सत्ता हमारे साथ करेगी क्या, इस शरीर को नष्ट कर देगी, इस शरीर को अपाहिज बना देगी, हमारा सर्वस्व छीन लेगी, कोढ़ियों का जीवन दे देगी, अपाहिजों का जीवन दे देगी, नेत्रहीनों का जीवन दे देगी, प्रकट सत्ता तुम्हारा प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि प्रकट सत्ता कभी आपको अपने से दूर करने का तो सोचती भी नहीं है, वो तो हम आवरण खुद पैदा कर लेते हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा। क्योंकि प्रकट सत्ता अपने आप को कभी मार नहीं सकती, वह चेतन है, अजर अमर अविनाशी सत्ता है, और उसी अजर अमर अविनाशी सत्ता के हम और आप सभी अंश हैं। तो जब वो सत्ता में कुछ नहीं हो सकता तो हमारे अंश में भी कभी कुछ नहीं हो सकता। और सकता है हमारे अंदर दृढ़ता हो, विश्वास हो, क्षणिक ना हो, स्थायित्व हो, कि जीवन की अंतिम सांस भी आ जाए, मौत हमारे सामने खड़ी हो, हम साथ हंसते हंसते उसे स्वीकार करने की क्षमता हासिल कर ले। क्योंकि हम आत्मावानों का जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन केवल एक स्थूल शरीर से बंधा हुआ नहीं है। जिस दिन यह दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन प्रकट सत्ता के साथ अटूट संबंध आपके जुड़ जाएंगे। और उसके लिए नवधा भक्त के मार्ग में यदि चला जाए, जिसमें ऋषि मुनि भी चलते हैं, साधु संत सन्यासी भी चलते हैं, और उस नवधा भक्ति में सबसे पहला जो आता है श्रवण, सुनना, सुनने की शक्ति हासिल करना, सुनने के अपने अंदर पात्रता हासिल करना, श्रवण में अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। आप स्वतः देखते हैं कि आप भक्त के गीत माँ के सुनने लगे, माँ के गुणगान सुनने लगे, आपका मन भाव विभोर हो जाएगा, आपकी सतो गुण प्रवृत्ति जागृत होती चली जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह आपसे दूर भागते चले जाएंगे केवल सुनने मात्र से। स्वर में क्षमता है, श्रवण करने में क्षमता है, कि आप जैसा सुनोगे वैसे विचार आपके अंदर पैदा होंगे। तो सबसे पहली भूमिका आपके अंदर श्रवण करने की क्षमता होनी चाहिए, श्रवण करने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह आप पूजा पाठ नित्य करते हैं, उस तरह कुछ ना कुछ नित्य धर्म अध्यात्म के बारे में, गुरुवाणी के बारे में, प्रकट सत्ता के गुणगान के बारे में, माँ की भक्ति के बारे में, उन भजनों को सुनना चाहिए, उस ज्ञान को सुनना चाहिए। कोई भी चीज हो, भक्तिभाव आप जी सुनते हैं, भक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। हिमेश के गाने आप सुनने लगेंगे, वासना का भाव आपके अंदर जागृत हो जाएगा, प्रभाव पड़ता है। आज अगर भक्ति के, आज अगर देखा जाए, लोग एकदम भटका हो चुके, या तो कोई देवत्व के मार्ग में बढ़ रहे हैं या तो असुरत्व के मार्ग में बढ़ रहे हैं। आपके अंदर इतने आवरण पड़ चुके हैं कि आप जरा सा रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहते। अगर मैं समाज से पूछूं कि कितने लोग यही बैठे, कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने मोबाइलों में माँ के गीत या देवी देवताओं के गीत भजन फीड किए होंगे, अधिकतर लोगों के मोबाइलों में फिल्मी गीत फीड होंगे, जरा सा सोच नहीं पैदा होती कि हमारा प्रथम सबसे पहली सोच क्या हासिल होना चाहिए, कि अगर हमें कोई एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है
कि हमारे पास कोई ऐसा माध्यम है, यंत्र है कि अगर कोई हमारा उससे संबंध स्थापित करना चाहेगा तो उसके पास किस प्रकार की ध्वनि हम पहले भेजें, किस प्रकार का अपना भाव संदेश भेजें। मगर सब हुई वासनात्मक गीत। अरे माँ के गीत भरो उसमें, माँ के गीत डालो, देवी देवताओं के गीत डालो, आरती पूजन की चीजें भर दो कि अगर दूसरा भी सुने तो एक मिनट के अंदर उसका भी भाव पक्ष उधर जागृत हो। श्रवण में अलौकिक शक्ति है, क्षमता है कि खुद ऐसी बातें सुनो जिससे सत्य पथ पर चल सको, खुद दूसरों का ऐसी बातें सुनाओ जिससे सत्य पथ पर चल सके। जैसा सुनोगे वैसे विचार आपके अंदर पैदा होंगे। जिस प्रकार का संगीत, संगीत में अलौकिक क्षमता है, चाहे गीत भजन हो चाहे संगीत हो, आप यही भजन सुनने लगते हैं, भजन में आप एकाग्र हो जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। हो सकता है आप जो अपने घर में आधे घंटे पूजा करते हैं वो पूजन करने में उतना भाव पक्ष आपका जागृत नहीं होता होगा जितना भाव पक्ष आपका को एक भजन जागृत कर देता है। इतने बड़े बड़े माध्यम आपके बीच पड़े हैं, क्यों नहीं आप उनका उपयोग करते? कि आप प्रयास करते हो कि घर में नित्य एक संकल्प ले लो कि कम से कम एक भजन तो हम नित्य सुनेंगे ही। ज्यादा समय नहीं मिलता तो सप्ताह में एक आध बार तो ऐसी कैफियत सुनेंगे जिसमें गुरुवर के विचार मिल रहे हों, ऐसे चिंतन मिल रहे हों, माँ का विचार मिल रहा हो, किसी भी गुरु से आप जुड़े हों। मेरे लिए चूंकि गुरुपथ पर बैठने के कारण मेरा मार्ग बनता है तो वह मार्ग बताऊं कि आप किस प्रकार की बातें सुने, किस प्रकार की न सुने। ऐसी बातों से अधिक से अधिक हटे जो आपके विचारों को तमोगुणी बना दें, जो आपके विचारों को रजोगुणी बना दें। कम कम धन कमा रहे हो, कमाते रहो, विचारों को दिशा तो दो। जिस तरह असुरत तो कलिकाल बिना बताए धीरे धीरे करके जड़ें जमा करके आपके अंदर सबके अंदर अपना स्थायित्व स्थापित कर चुका है, उसी तरह एक प्रयास आप लोग भी तो करके देखो कि धीरे धीरे सत्य की स्थापना के लिए नींव को जड़ों को जमाने के, धर्म की नींव को जमाने का प्रयास करो। मां की ऊर्जा के माध्यम से वही कार्य किया जा रहा है कि मैंने सबसे पहले माँ के गुणगान को स्थापित किया है। रास्ता वही है समझने के, सिर्फ है कि मैंने कहा है समझ, धीरे धीरे समय के साथ मैं समझाता चला जाऊंगा। मैंने सबसे पहले चालीसा पाठ के गुणगान की स्थापना यहां पर की है। किस गुणगान में वह क्षमता है, वह अलौकिकता है कि आप अगर नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करोगे तो आपके अंदर माँ की भक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और जो सुनेगा उसके अंदर ही धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाएगा। तो साधक के लिए सबसे पहला यह बहुत विस्तार के समय है। यदि एक एक चीज में वर्षों चिंतन दिया जाता रहे तो वो भी समय कम नजर आएगा। तो श्रवण में अलौकिक क्षमता है कि आपको किस तरह की बातें सुनना है, किस तरह की बातें को नजरअंदाज करना है। अपने बच्चों को अपने घर में क्या मिल जाएगा फिल्मी गीतें सुन लेने से? थोड़ा बहुत सुन लो, थोड़ा बहुत मनोरंजन करने की इच्छा पड़ती है, बच्चों की थोड़ी बहुत इच्छाएं पड़ती है, उनको भी थोड़ा बहुत वक्त दे दो, मगर इतना नहीं कि वो पलड़ा इतना भारी हो जाए कि वो पतन के मार्ग में चले जाए और कल आपको ही बोझ बन जाए आपके ऊपर। अधिकतर माँ बाप आते हैं कि बच्चे उनके कहना नहीं मानते, मैं तो नहीं परेशान हूँ, मेरी तीनों बच्चियां हैं, तीनों जैसा मैं चाहता हूँ वैसा चलती हैं, ऐसा नहीं कि उनको मेरे द्वारा समझाया नहीं जाता, डांटा नहीं जाता, कभी बताया नहीं जाता या कभी उनके द्वारा गलतियां नहीं होती। मगर मैं कह रहा हूं मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। जिस तरह एक पिता को संतुष्ट होना चाहिए उस तरह मैं संतुष्ट रहता हूं, इसलिए हर पल उनको उस दिशा में बढ़ाने का प्रयास करता हूं। बच्चों की सोच अपनी हो सकती है, उनकी बातें सुन लो, मगर बच्चों को तुम्हें किस दिशा में बढ़ाना है यह निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, तभी बच्चों का कल्याण होगा। दिशा फिर बदलने की जरूरत है। संध्या ही संध्या की अपनी प्रबल इच्छा थी कि गुरुदेव जी मैं डॉक्टर बनकर के समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती हूँ। मैंने नहीं टोका, एक निर्धारित उम्र तक जो जैसा जब तक चलता रहा पढ़ाई करती रही। प्रारंभ में हिंदी मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम गई और हर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में अच्छे परसेंटेज से विद्यालय में अच्छा नंबर ला करके अपना स्थान प्राप्त करके तीव्र गति से अपना चल रही थी कि जो जिस क्षेत्र में मैं बढ़ाता उस क्षेत्र में बढ़ती चली जाती। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मैंने जो जानकारी इस अंतराल में ली कि उन विद्यालयों की जो स्थिति, सब जगह नशा चल रहा है, सब जगह भटकाव की स्थिति चल रही है, सब जगह मांस परोसा जा रहा है, मैंने कहा मेरे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने वहाँ से उठाकर मैंने कहा मेरा जो लक्ष्य है, एक डॉक्टर वह कार्य नहीं कर सकता जो एक साधक या एक साधिका कर सकती है। मैंने कहा अब तक तुम्हारी इच्छा चलती रही, अब मेरी इच्छा चले कि तुमको संस्कृत विद्यालय में जाना है। हर एक अंदर यह निर्णय लेने की स्थिति नहीं आ सकती। मैंने उसके बाद उसको उस दिशा में डाला चूंकि मैं जानता हूं कि
कि हम दूसरों का क्यों इंतजार करते हैं, सबसे पहले अपने आप को सुधारें, सबसे पहले अपने बच्चों को दिशा दें। बच्चे आपके इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं नहीं कहता सबको रोक दो, मगर उन पर एक दिशा दो कि बनकर किस प्रकार कार्य करने हैं, एक भाव पक्ष होना चाहिए। सब बेईमानी बनना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता सत्य है। इंजीनियर बनना चाहते हैं कि हम बेईमानी का पैसा खूब कमा लेंगे, हर एक अंदर भाव पक्ष छिपा हुआ है कि एक इंजीनियर कितना लाखों करोड़ों रुपए बेईमानी कमा सकता है, एक डॉक्टर कितना पैसा अधाधुंध कमा सकता है। कहीं ना कहीं से सचेत हो, कहीं ना कहीं से त्याग करो, कहीं ना कहीं अपने अंदर दृढ़ता लाने का प्रयास करो कि हमको नशे और मांस का त्याग करना है। हमको धीरे धीरे करके भ्रष्टाचार से अपने बच्चों को ऐसी दिशा दें कि हम परिस्थितियों पर फिर में ग्रसित हो चुके हैं, तो बच्चों को कम कम कूट कूट करके उनकी मानसिकता में भर दें कि डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक कुछ भी बनो किसी क्षेत्र में, मगर वहां भ्रष्टाचार की मानसिकता तुम्हारे अंदर पनपने ना पाए। धीरे धीरे तभी तो समाज का सुधार होगा। आज हम अपने आप में सुधार नहीं करना चाहते, अपने बच्चों में सुधार नहीं करना चाहते और चाहते हैं समाज में परिवर्तन आ जाए, तो उसके लिए साधक बनने की जरूरत है, श्रवण शक्ति हासिल करने की जरूरत है। अच्छी बातें सुनो, अपने बच्चों को अच्छी बातें सुनाओ। श्रवण, आप जैसी बातें सुनेंगे गुरु के बारे में, इष्ट के बारे में, वैसे विचार आपके अंदर आते चले जाएंगे, गुरु से आपका उतना संबंध उसी तरह जुड़ता चला जाएगा। श्रवण के बाद आता है कीर्तन। कीर्तन में अपने आप को रत करना, वही भजन कि पहले सुने और जो भी कीर्तन भजन हो रहे हों उनमें अपने आप को रत करें। आप कीर्तन कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कहीं कीर्तन चल रहे, भजन चल रहे, जैसे मैंने कहा कि आप सुन रहे थे, कीर्तन भी सुन रहे थे, उसमें अपने आप को रत कर देना, अपने तन की सुध को भुला देना, इसी को तो ध्यान साधना कहते हैं। एक पक्ष में नहीं कि आंख मूंद करके ध्यान साधना हो जाती है। आप सुने भी और अपने आप को उसमें रत करें, भजनों में, कीर्तनों में, और अगर फिल्मी गीतों में रत करेंगे तो विनाश की ओर जाएंगे। यह जीवन भी आपको पतन के मार्ग में जाएगा और नवीन जीवन आप भी उसी तरह कटोरा लेकर रोड में खड़े नजर आएंगे, अपाहिजों का जीवन जी रहे होंगे। क्योंकि निश्चित है हर कर्म का फल सुनिश्चित है, ये मेरे द्वारा पूर्व के चिंतनों में बताया जा चुका है। तो आपके अंदर श्रवण, श्रवण के बाद आपके अंदर कीर्तन, भजन, इनमें आपको और रत करने का तात्पर्य नहीं। अनेकों लोग जिस तरह झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कि अपने आप को रत करना, एकाग्र कर देना कि आपका मन फिरके, आपके अंदर हलचल हो और हलचल के अंदर आप अपनी ऊर्जा से सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने का प्रयास करें, अपने अंतःकरण को स्थिर करने का प्रयास करें। ताली बजाना, मन को एकाग्र करना, छोटा शरीर की, जिससे आपको, मगर ऐसा बेसुध ना हो जाए कि जिस समय शरीर आपका बेसुध होकर हाथ पर, अनेकों लोग गिरने पड़ने लगते हैं, ऐसा लौटने लगेंगे और लगेगा जैसे रत हो, ये रत नहीं, ये उनका पतन है। जब ऊर्जा अनियंत्रित होने लगे तो आपकी ऊर्जा सूक्ष्म की ओर नहीं जा रही, आपकी ऊर्जा स्थूल की ओर जा रही है। मगर जब तक आप स्थूल शरीर में आनंदित हो रहे हैं, एक क्षण होते हैं जब तक आप आनंदित होते हैं कि आपको लगता है आप ताली आप भी बजाने लगे, आप एक गीत सुन करके आपके हाथ पैर चलने लगते हैं, यह आनंद है। और इससे जब ज्यादा होने लगता है कि आपको लौटने लगेंगे, इधर उधर करने लगेंगे, बेसुध होने लग जाएंगे, उसमें आपकी ऊर्जा आपके स्थूल शरीर की ओर प्रवाहित हो जाएगी, सूक्ष्म की ओर नहीं जा रही होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझने की जरूरत है कि थिरकन आए मगर थिरकन में सचेत हो। रत करना है आपको, मगर रत करने में आप यदि स्थूल शरीर की ओर हो जाओगे, स्थूल शरीर की ओर आपकी ऊर्जा जाने लग जाएगी, तो रत कहना नहीं कहलाएगा। कि आपका मन एकाग्र होते होते, आपका मन एकाग्र करते करते बिल्कुल शांत होने की स्थिति आपके अंदर आ जाए, कि आप बाहर कुछ करें मगर मन आपको शांत और एकाग्र होता चला जाए, आप धीरे धीरे स्थिर होते चले जाए, वह आपके अंदर कीर्तन और भजन इनमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी किराए हैं कि आप रोज थोड़ा बहुत कीर्तन, भजन, संगीत, इन चीजों को सुने, उनमें अपने आप को कुछ आपके अंदर मन के अंदर गुनगुनाएं। क्योंकि मैंने वही बात की और आपको ले जाना चाहता हूं कि आप में से अधिकांश स्वतः अपने अंतःकरण में झांक करके देख लें कि कितने लोग हैं जिनके सुबह शाम उठते लेटते बैठते माँ के मंत्र गुणगान, माँ की भक्त के गीत गूंजते हैं, हर एक के अंदर किसी न किसी फिल्म संगीत गूंजता होगा, उठते हैं तो लाइनें गूंजती रहेंगी, याद क्या आएगा। बच्चे फिर कहते हैं हमारे गुरुजी हमारी याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है, सुबह शाम उनके किसी न किसी फिल्म की कोई लाइन होगी, बगैर रटे रटाए वो आपके मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है, तो आप अपने शरीर को स्थिर ही नहीं कर पाते। जिस तरह की चीजें आपकी चलेंगी वो उसी तरह के चक्र, उसी तरह की कोशिकाओं को आपके चेतन करेंगे और आपके पतन के मार्ग में ले जाएंगे। तो श्रवण के साथ कीर्तन में सचेत रहो कि अच्छे कीर्तनों को सुनो, अच्छे कीर्तनों में अपने आप को लगाओ, अच्छे कीर्तनों पे अपनी आपकी वाणी का उपयोग करो, अच्छे कीर्तन आपके अंतःकरण में मनन होने चाहिए, चलते रहने चाहिए। और उसके बाद आता है स्मरण, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि हर पल आपका स्मरण कि आपने जो सुना,
आपने जो कीर्तन किया, जिसके प्रति आपने किया, उसकी सोच हर पल इस पर आपका बना रहे, हर पल सोच उस दिशा में बनी रहे, एक विचारधारा आपकी बनी रहे। जब आप सत्तों की सतोगुणी की विचारधारा से आप अपने आप को जोड़ करके रखेंगे, वो विचारधारा अपने अंदर बना करके रखेंगे हर पल, सो तो आपका हर पल हर क्षण साधना में बन जाता है। प्रारंभ में धीरे धीरे प्रयास करेंगे, इन सब चीजों की गहराई इतनी है कि जितनी गहराई में आप डूबेंगे उतना आपको आनंद मिलता चला जाएगा। मैं सुख की बात नहीं कह रहा, क्योंकि हर एक का विलोम होगा, सुख का दुख का दुख है ये सब चीजें, मगर आनंद का कोई विलोम होता ही नहीं। आनंद तो सिर्फ आनंद है, जितना डूबो उतना ही आनंद है। आप कितना डूब सकते हो यह आपके ऊपर है। वो इन चीजों से आगे जितना आप हर पल स्मरण रखोगे, उस प्रकार सत्ता का स्मरण, माँ का स्मरण, अपने गुरु का स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण, आपके मन मस्तिष्क में वो गूंजता रहना चाहिए, आपके मन मस्तिष्क में वो चीज छाई रहनी चाहिए, सोते उठते बैठते जागते, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो आपके अंदर छाई ही है। आप बेफुस से रहते हैं, पता चला पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न के ऊपर हॉर्न बजाए चला जा रहा, आप रास्ते में जा रहे हैं मगर पता नहीं कहाँ खोए हो, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी चलाते चले जा रहे हो, ध्यान कहीं दूसरी जगह पे है। अरे तो ध्यान सत्य पे लगाओ, यदि ध्यान सत्य में लगा रहेगा तो एक्सीडेंटों से भी बच जाओगे, आपकी सतोगुणी की प्रवृत्ति जागृत होती चली जाएगी। हर पल स्मरण रखो, सोते उठते बैठते जागते एक क्षण ऐसा आए ही ना कि जिस क्षण सतोगुणी प्रवृत्ति से आप विमुख हो सको, स्मरण से आप अलग हट सको, दूर हट सको। श्रवण कीर्तन स्मरण, इन पर ध्यान रखें, कुछ ना कुछ समय वक्त दें, एक सोच पैदा करें अपने अंदर। और उसके बाद आता है पाद सेवन, चरण सेवा। आपके घर में गुरु के इष्ट की माँ की जो छवियां रखी हों उनका सेवन करें। अगर गुरु आपके कभी हरे कोई किसी गुरुओं से जुड़े हैं, जो मैंने कहा मेरे तो चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हरे को मिल सके संभव ही नहीं, और इसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि बिन मांगे मैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता हूं जो आपको चरणों की सेवा करने से प्राप्त होगा। उन आप छवियों की सेवा करते हैं, उनमें ही वो फल आपको प्राप्त हो जाता है जो फल की आप कामना करते हैं। चरण सेवा कि आपके घर में जो तस्वीरें रखी हों, छवियां रखी हों, कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य बनाएं कि कुछ क्षण आप बैठने का मौका प्राप्त करें। उन मौकों की तलाश, जिस तरह आप अनित अन्य धर्म के लिए मौके तलाशते रहते हैं, चोरी करने के लिए, अनित करने के लिए, गलत करने के लिए, उसी तरह सत्य के कार्य करने के लिए एक तड़प अपने अंदर पैदा करो कि आज अगर मैं उस तस्वीर के मैंने चरण स्पर्श नहीं किए तो मेरे जीवन में खालीपन नजर आ रहा है। आज अगर मैंने अपने हाथ से माँ की छवि को पोंछा नहीं है, माँ की छवि को स्नान नहीं कराया है तो मुझे अपने अंदर खालीपन नजर आए। तो चरण सेवा का अपने अंदर भाव पैदा करना, सेवा भाव, किस चरणों की सेवा, चरणों के दर्शन, चरणों की ललक, चरणों की कृपा, वो भाव आपके अंदर जागृत होनी चाहिए आपके इष्ट के प्रति, आपके गुरु के प्रति। ये आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, क्योंकि आप स्थूल शरीर में हो, आप जब इन सभी चीजों को माध्यम बनाते हो, मैंने कहा एक माध्यम लेकर चलोगे तो बिखर जाओगे, सभी माध्यमों को लेकर चलोगे तो एक माध्यम आपका टूटेगा, दूसरा माध्यम आपको संभाल लेगा। उसी तरह पाद सेवन, चरण सेवा, अर्चन, नित्य कुछ ना कुछ उस प्रकट सत्ता की सेवा अर्चन, पूजन में, आरती करने में, पूजन करने में, उनको स्नान कराने में, उनको पुष्प चढ़ाने में, उनको धूप दीप लगाने में, इनमें कुछ अपना समय वक्त दो। इनसे आपके अंदर भाव पक्ष जागृत होगा और भाव का ही फल तो सब जगह प्राप्त होता है, भाव में ही सब कुछ समाहित है। जैसे आपके अंदर भाव बनेंगे, जिस तरह जब आप पुष्प समर्पित करेंगे आपके अंदर समर्पण का भाव आएगा, आप जब जिस समय आरती कर रहे होंगे उस समय आपको उस पर अपने आप मन एकाग्र होगा, वो अर्चन का भाव आपके अंदर होना चाहिए कि हम किस तरह भोग चढ़ाएं, किस तरह पुष्प चढ़ाएं, किस तरह धूप दीप लगाएं। ये अपने आप का जब नित्य आप करेंगे तो आपके सतोगुणी प्रवृत्तियां आपके शरीर के अंदर ही जागृत होती चली जाएंगी, क्योंकि आप जैसी चीज का स्पर्श करोगे वैसे ही आपके अंदर विचार पैदा होते चले जाएंगे। आपके अंदर वह भाव पक्ष बना करके अर्चन, उसी तरह चीजों का अर्चन करें, भाव पक्ष से अपने इष्ट की, अपनी देवी माँ भक्ति आदि सब जनी जगदम्बा की, आप अपनी जिसे जिन देवी देवताओं से जुड़े हो उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। और बंदन, उसके बाद छठी चीज उनका बंदन करना, उनकी स्तुति करना, उनका गुणगान करना, उनकी वंदना करना। उनकी वंदना से तात्पर्य नहीं कि हम उनको वंदना करेंगे तो प्रसन्न होकर तत्काल हमारे अंदर कृपा कर देंगे, निश्चित है प्रकट आप जैसी स्तुति करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। आप किसी को गाली दोगे तो उसका उसी तरह की ऊर्जा आपको विपरीत आएगी, आप किसी को समाज में किसी को गाली दोगे उसी तरह भाव पक्ष जागृत होगा।
किसी से आप प्रेम से बातें करते हो उसी तरह आएगा। उसी तरह जब आप प्रकृति सत्ता से संबंध स्थापित करोगे, आप अच्छा पूजन अर्चन का भाव वंदना कर रहे हो, तो निश्चित आपके अंदर की सतोगुणी कोशिकाएं आपको सतोगुणी पर्वत से आपके संबंध स्थापित करेंगी। वो चेतना तरंगे आपके शरीर पर बरबस जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम स्थूल सूक्ष्म में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस तरह यह स्थूल है, इसके बहुत नजदीक सूक्ष्म जगत जुड़ा हुआ है। जिस तरह हमारा स्थूल शरीर है, उसके बहुत नजदीक हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है। मगर दुर्भाग्य आज समाज का कि आज समाज के अधिकांश साधु संत सन्यासी, अगर मैं कह दूं, शायद दुर्लभ एक या दो ऐसे समाज के बीच ऐसे होंगे, वैसे समाज के बीच तो तलाशना ही मुश्किल है। हिमालय की कंदराओं गुफाओं में निश्चित ऐसे लोग हैं जिनका सूक्ष्म शरीर जागृत है, मगर आज पता नहीं इसलिए होता चला जाएगा, तुम सोच ही उस दिशा में नहीं पैदा कर रहे। कि अगर हम सोच पैदा कर लें कि हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर बहुत नजदीक है, मगर जिस तरह हम वंदना अर्चन करेंगे, इससे उसे हमारे अंतःकरण में थिरकन पैदा होती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती, हमारे सातों चक्रों में जब चेतना तरंगे पैदा होंगी, तो हम सतोगुणी प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। उस ऊर्जा शक्ति को हम धीरे धीरे करके अपने अंदर हासिल करते चले जाएंगे। पूजा अर्चन केवल उसी नहीं करते, बस आरती हमने करना पूजन, इन जब सभी कड़ियों को भाव पक्ष में नहीं लेंगे कि हम नित्य कुछ ना कुछ उनकी वंदना करें, अपनी इष्ट की, अपने गुरु की, अपनी जिस देवी देवताओं से जुड़े हुए हों। और उसके बाद आता है दास भाव, दास का भाव अपने अंदर लेना कि मैं सेवक हूं, वह स्वामी है, वह स्वामिनी है प्रकट सत्ता मेरी, मैं उसका सिर्फ एक दास हूं, उसका एक रजकण हूं। अपने अंदर दास भाव पैदा करना, अपने अंदर सेवक का भाव पैदा करना, यह भक्ति के ही अंग है कि मैं भक्त हूं। इससे कार्य नहीं चलेगा, कार्य चलेगा अपने अंदर दास पर्वति पैदा करो कि सौभाग्य से मुझे ऐसे चरणों में रहने का सौभाग्य मिल जाए कि जहां मैं दास बन करके रह सकूं। माता के जहां भी आश्रम हो या कहीं फिर मां जहां से भी जुड़ा हुआ हूं, वहां अगर मुझे कोई सेवा कार्य करने के लिए एक दास का भाव जो रहता है, सेवक का जो भाव रहता है, वह अपने अंदर यदि पैदा करने लगे जग जाओगे, तो आपकी सतोगुणी प्रवृत्ति जागृत होती चली जाएगी, चैतन्य होती चली जाएगी, आप साधक बनते चले जाओगे। ये वो रास्ते हैं, एक दास का भाव, हर पल अपने अंदर अपने आप को एक दास मानो, एक सेवक मानो कि हम उस प्रकट सत्ता के, उस गुरु के केवल एक दास हैं। दासत्व भाव अपने अंदर, जहां अपना कुछ नहीं रहता, हमारे हमें प्रकट सत्ता जहां जिस हाल में जैसा रखे, हम प्रकट सत्ता के दास हैं, हम उसके गुलाम हैं। वह प्रकट सत्ता हमें जहां जिस हाल में रखे, हमको उस हाल में प्रसन्न रहकर बस उसकी सेवा कार्यों में रत रहना है। यह हमारे लिए सौभाग्य होगा कि प्रकट सत्ता हमें दास के रूप में हमें स्वीकार कर ले। हमारे अंदर दासत्व का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि वो मुझे पुत्र माने या माने, मगर मुझे अपना पहले दास मान ले, अपना मुझे सेवक मान ले। अपने अंदर सेवक की प्रवृत्ति पैदा करो, अपने अंदर दासत्व की प्रवृत्ति पैदा करो। मगर आज उसी प्रवृत्ति से तो समाज विमुख होता चला जा रहा है। यदि उसी इष्ट के प्रति, माता आदि सगजनी जगदम्बा के प्रति दासत्व भाव आ जाए, तो आपकी भक्ति कभी खंडित नहीं होगी। क्योंकि जिस समय अपने आप को आपने दास मान लिया, तो नित्य उतार चढ़ाव कभी क्यों आएगा? जो कभी आप आगे जाते हो, कभी मन के भाव आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। हर पल सोच रखो, हर पल स्मरण रखो कि मैं उस प्रकट सत्ता का दास हूं, और दास की कुछ सोच नहीं होती। प्रकृति जैसा चला रही है, मुझे वैसा चलते चले जाना है। सिर्फ अपने कर्म पर याद रखना है, मैं एक दास हूं, एक सेवक हूं। जो मुझे मौका मिल रहा है, जो मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं उसको अपनी पूरी क्षमता झोंक देने की जरूरत है, जिस तरह एक दास का कर्म होता है। ये मैंने कहा, ये बहुत गहराई के विचार है। एक एक चीज में जितनी गहराई में उदाहरण दे देकर अगर मैं जाना चाहूं, तो बहुत लंबी अंतराल तक चलता चला जाऊंगा, मगर संक्षिप्त शब्दों में उनके विचार दे रहा हूं। वह दासत्व भाव अपने अंदर पैदा करो, और दासत्व भाव जब आ जाए, उसके बाद अपने अंदर पुत्र भाव पैदा करो कि मैं पहले दास हूं, उसके बाद अगर प्रकट सत्ता चाहे तो मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर ले। मेरे अंदर पुत्रत्व का भाव आ जाए कि मैं प्रकट से जो भी संबंध स्थापित करूं, वह मुझे पुत्र मान रही हो या न मान रही हो, मैं अपना पुत्रत्व का पूरा व्यवहार करना, मां से आशीर्वाद मांगू कि मां मेरे अंदर ऐसे गुण भर दो कि मैं आपका पुत्र बन सकूं। जिस तरह एक अबोध पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है, अपने माता पिता से लगाव रखता है कि अपने माता पिता की गोदी से बाहर नहीं जाना चाहता, वह पुत्रत्व भाव मेरे अंदर पैदा कर दो कि मैं आपसे विमुख होने की बात ही अपने मन के अंदर सोच ना सकूं। वह लगाव, वह तड़प मेरे अंदर पैदा कर दो, कौन आपको मां की भक्ति से अलग कर सकेगा? अपने अंदर वो अबोध भाव तो लाने का प्रयास करो। नित मां के चरणों में जब बैठो, तो मां के चरणों के अंदर अपने अंदर तड़प पैदा करो कि मां मेरे अंदर वो पुत्रत्व भाव पैदा कर दो। मां अपने से कभी मुझे विमुख मत करना, मां अपने चरणों का मुझे दास बनाओ, और मां अपने चरणों का मुझे पुत्र बना लो, अपना एक अंश मान लो। और वास्तव में हम पुत्र हैं ही, जो हैं उसकी सोच पैदा करना है।
हम आप सभी उस प्रकट सत्ता के ही तो अंश हैं, और अंश है तो पुत्रत्व भाव ले आओ, संबंध का भाव ले आओ, और प्रकट सत्ता जितना आपको ज्ञान देती चली जाए उस ज्ञान के हिसाब से प्रकट सत्ता से संबंध स्थापित करो। भौतिक जगत के पुत्रत्व के भाव से न लो, चूंकि पुत्रत्व का भाव समाज में तो बहुत भटका हुआ है कि छोटे के बचपन के भाव अलग होते हैं, जो जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वह लगाव माता पिता के पास से अलग हट जाता है, वो प्रेम शब्द टूट जाता है, जो निष्ठा विश्वास और समर्पण की मैंने बात कहा कि वह प्रेम भाव वहां से समाप्त हो जाता है, वह पुत्रत्व भाव हमारा समाप्त होने वाला नहीं होना चाहिए। हम हर पल अबोध हैं, हर पल शिशु हैं, जब हर पल हम शिशु मान करके चलेंगे तो प्रकट सत्ता से हमारे संबंध कभी विच्छेद हो ही नहीं सकेंगे। मगर आज समाज तो केवल जिस तरह की स्थिति में है कि माता पिता से भी एक निर्धारित उम्र बड़ी हुई नहीं, शादी हुई नहीं, तो माता पिता संबंध तो 50% अपने आप समाप्त हो जाते हैं। माता पिता के अंदर एक तड़प पैदा करो, एक लगाव पैदा करो, उसी तरह उस प्रकट सत्ता से संबंध एक पुत्रत्व का भाव होना चाहिए। मगर उस प्रकट सत्ता के संबंध के पुत्रत्व के भाव से इस स्थूल जगत के माता पिता के पुत्रत्व के भाव से नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि इससे करोड़ों अरबों, जिसकी मैं ये कह दूं कि कोई संख्या ही नहीं की जा सकती, उस कई गुना ज्यादा उस भाव की गहराई है, उस पुत्रत्व के भाव में गहराई छिपी हुई है। उस पुत्रत्व के भाव की गहराई में अपने आप को डुबाने का प्रयास करो, हर पल अपने आप को पुत्रत्व के भाव में रखने का प्रयास करो, कि जिस तरह हर सोच पैदा करो, जिस तरह आप एक छोटे अबोध शिशु अपनी माता से अलग नहीं होना चाहते हो, माँ की गोदी से अलग नहीं होना चाहते हो, अगर घंटे दो घंटे बाद माँ की गोदी पाते हो जैसे आपको लगता है सर्वस्व आपको मिल गया कि आपको त्रिभुवन कोई कुछ भी दे रहा हो, आप उधर देखना भी पसंद नहीं करना चाहते हो, बस माँ की गोदी में डूबना चाहते हो, पिता की गोदी में डूब जाना चाहते हो, वही शिष्यत्व भाव अपने अंदर लाओ। और जब वो शिष्यत्व भाव ले आओगे, वास्तविकतम तुम्हारा मन ये स्वीकार कर लेगा। मैंने कहा मन पे जो लगाम लगाने की भक्ति रूपी रथ, भक्ति की इसको सारथी बनाओ, लगाम भक्ति को दे दो, भक्ति रूपी भाव जब आप शिष्यत्व के अंदर डुबा दोगे, पुत्रत्व के अंदर डुबा दोगे, दासत्व के अंदर डुबा दोगे, एक अबोध भाव लेकर के हर पल जीवन जियोगे, तो आपके प्रकट सत्ता संबंध टूटेंगे कैसे? प्रकट सत्ता के संबंध आपके विकास इसी तरह आवरण हटते चले जाएंगे, सतोगुणी प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी। साधना में और करना क्या है? आपके अंदर वासनात्मक भाव पैदा होता, आप वासना में पतन में मार्ग में चले जाते हो, नाना प्रकार के अनित अन्याय अधर्म कर बैठते हो, और जब वही पुत्रत्व का भाव, दासत्व का भाव, सम उस तरह का भाव पैदा होता चला जाएगा, तो आपके अंदर वही प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होती चली जाएगी, सतोगुणी प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होती चली जाएगी। तो पुत्रत्व भाव अपने अंदर पैदा करो, और अगर पुत्रत्व भाव आ जाए तो उसके बाद अंतिम और नौवां चरण जो है आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, कि सब कुछ लेकर के अब न मैं दास हूं, न सेवक हूं, न पुत्र हूं, यह मेरी आत्मा प्रकट सत्ता के चरणों में समर्पित हो जाए, उससे प्रकट सत्ता के से संबंध जुड़ जाए, यह सब कुछ जो दासत्व भाव है, पुत्रत्व भाव है, वह सब प्रकट सत्ता के अंश के रूप में है, और सब कुछ मैं कुछ कर ही नहीं रहा, न मैं पुत्र बन सकता हूं, न मैं दास बन सकता हूं, मेरे पास जो कुछ भी है यह उस प्रकट सत्ता का अंश है, और मैं प्रकट सत्ता का संबंध से माँ से फिर भी मांगूं कि माँ मेरे आत्मा को अपने चरणों में शरण दे दो, अपने आप में जोड़ दो, अपने आप में मिला दो, आत्मसमर्पण कर दो, अपनी पूरी सामर्थ्य जो कुछ भी है, जो कुछ भी भाव पक्ष है, बस सिर्फ एक बात, आत्म कल्याण, मेरा आत्म कल्याण किस प्रकार हो। हे माँ, मैं बंधनों से जकड़ा हुआ हूं, मैं विषमताओं से जकड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर जो आवरण पड़े हुए हैं आपके अलावा कोई दूसरा हटा नहीं सकता, इन आवरणों को हटाने की सामर्थ्य केवल आप में है, मैं आपसे विमुख होकर दूसरी तरफ देखूंगा तो एक आवरण और चढ़ जाएगा, केवल इन आवरणों को हटाने की शक्ति सामर्थ्य केवल माता आदि शक्ति जगदम्बा केवल आप में है, और आप में है, केवल आप ही इन आवरणों को दूर कर सकती हैं, और इन आवरणों को दूर करने के लिए मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। वो भाव अपने अंदर पैदा कर ले, आत्मसमर्पण का भाव जिस क्षण अपने आपके अंदर आ जाएगा, उस समय आपके अंदर से प्रकट सत्ता के संबंध अपने आप जुड़ जाएंगे, और वही संयोग आपका पूर्णत्व का संयोग कहलाएगा। आप जब आत्मावान बनने की पात्रता हासिल कर लेंगे, जिस समय आप आत्मावान का जीवन जीने लगेंगे कि सब कुछ सोच कि मैं एक आत्मा हूं, एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, उस माता आदि सज्जनी जगदम्बा का अंश हूं, और अब तक मैं अलग रहा, अब तक मैंने माँ को समझा नहीं, अब तक मैंने अपनी इष्ट को समझा नहीं, अब तक मैंने प्रकट सत्ता को समझा नहीं, अब तक मैं आवरणों में भटकता चला गया, और मेरा वास्तविकता सत्य का जीवन क्या है, मेरा सत्य का जीवन है माँ में समा जाना, माँ से अपने आप को जोड़ देना, और उस संबंधों को जोड़ने के लिए पूर्णतया से समर्पण कर दो, परिपात कर दो कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई वर्चस्व नहीं है। और जिस समय वो आ जाएगा, आपके अंदर का अहंकार नष्ट हो जाएगा।